महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एरंटोल तालुका में जामा मस्जिद को लेकर नया मामला सामने पेश आया है। इस मस्जिद पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने अपना कब्जा जमाया है। इस मामले को लेकर जिला अधिकारी ने वहां पर मस्जिद को सील कर दिया है और उसी का फैसला आज औरंगाबाद हाईकोर्ट में हुआ और ये फैसला मस्जिद के पक्ष में निकला है। आप देख सकते हैं, औरंगाबाद से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। एरंटोल येथील हा पांडववाडा या नावाने प्रसिद्ध आहे आणि ऐतिहासिक नोंद आहे आणि तो सरकारच्या नावाने 7-12 उतार्‍यावर आणि सरकारी दस्तांवर नमूद आहे। असा असताना जुमा मशीद ट्रस्ट यांनी त्याच्यावर बेकायदेशीर कब्जा करून त्याच्यावर बेकायदेशीर बांधकाम केलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही पांडववाडा संघर्ष समितीतर्फे त्याच्यात तक्रारी अर्ज दाखल केला होता आणि त्याच्यावर सुनावणी चालू आहे। कोर्टाने सगळ्या दोघ बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला। आमचा असा आशा आहे की आम्ही जे काही डॉक्युमेंट आमच्याकडे पुरावे उपलब्ध आहे, जे काही सरकारचे दस्त आहेत, त्याच्या आधारे आमची अशी मागणी होती की त्याच्यातून जे काही बेकायदेशीर कब्जेदार आहेत त्यांना त्याच्यातून काढावं आणि ती मिळकत सरकारने ताब्यात द्यावी। जुम्मा मशीद ट्रस्ट अशी एरंडोलची एक संस्था आहे, त्यांनी केलेलं आहे आणि त्यांनी जे काही धर्मदाय आयुक्तांकडे आणि वक्फ बोर्डाकडे रजिस्ट्रेशन केलंय त्याच्यात कुठेही पांडववाडा असा उल्लेख नाही किंवा सिटी सर्वे नंबर 1100 याचा उल्लेख नाही रजिस्ट्रेशन करताना। पुढील सुनावणी 27 तारखेला आहे। आशा आहे की कलेक्टर साहेब आमचा पुराव्याचा विचार करून आदेश करतील। पांडववाडा समिती जी आहे, बचाव समिती म्हणून त्यांनी एक अर्ज दाखल केलेला की या जी जागा जी आहे ज्याच्याबद्दल वाद उपस्थित केला जातोय सिटी सर्वे नंबर 1100 सदरची जागा जी आहे ती त्या एकेकाळी ती हिंदू समाजाच्या लोकांची असल्याचं त्यांना पुढे सांगून त्यांनी विनंती केलेली आहे की तिथलं अतिक्रमण काढण्यात यावं। मात्र तिथं कुठल्याही प्रकारचं अतिक्रमण नाही। कुठल्याही प्रकारे हे जे जुम्मा मस्जिद ट्रस्टचे ट्रस्टी लोक जे आहेत किंवा मुस्लिम बांधव लोक जे तिथं नमाज पठणासाठी जातात त्यांनी कुठल्याही प्रकारे अतिक्रमण केलेलं नाही। अनधिकृतपणे ते त्या जागेमध्ये घुसलेले नाहीत, ज्याला की इंग्रजीमध्ये चांगला शब्द ट्रेसपासर, तसलं कुठलंही झालेलं नसताना अशा प्रकारचं अर्ज देणं आणि शासनाला त्या अर्जाच्या आधारे हलवणं हे चुकीचं चाललेलं आहे। एवढंच मात्र आपल्याकडून काय बाजू मांडण्यात आली या ठिकाणी, बाजू मांडण्याच्या अनुषंगाने त्यांचा अर्ज कशा प्रकारे चुकीचा आहे आणि ते दाखल करण्याची आवश्यकता का नाही म्हणून एवढी ती बाजू मांडण्यात आलेली आहे। त्यांनी अर्ज, त्यांचं म्हणणं आहे की सिटी सर्वे नंबर 1100 मध्ये जुम्मा मस्जिदचे जे ट्रस्टी आहेत ते अनधिकृतपणे त्यांनी प्रवेश केलेला आहे, अनधिकृतपणे किंवा शासनाच्या विना परवानगी तिथं काही बदल केलेले आहेत बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये त्या जागेच्या, परंतु तसे जागेचे ट्रस्टी लोकांनी कुठल्याही प्रकारचे बदल केलेले नाहीत बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये। असं 7 जुलै 2023 जे आहे आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटचा जे आहे खुलासा या कलेक्टर साहेबांसमोर दाखल करण्यात आलेला लेखी स्वरूपात, कुठलेही काही बदल झालेले नाहीत म्हणून। क्या हुआ जुम्मा मस्जिद पब्लिक ट्रस्ट एरंडोल इनकी जानिब से जो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल हुई थी, आज उसकी तारीख ऑनरेबल लॉर्ड चीफ जस्टिस आर एम जोशी साहब के कोर्ट में थी। ये मैटर दोपहर में तकरीबन 1 बजे के करीब निकला। इसमें पिटिशनर्स की तरफ से मेरे साथ साथ सीनियर काउंसिल वी डी हॉन सर अपियर हुए, रिस्पोंडेंट नंबर 9 जो है जो कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट थे उनके तरफ से भी सीनियर काउंसिल विजी दीक्षित सर अपियर हुए और मुख्य सरकारी वकील काले साहब भी इसमें अपियर हुए। तो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से सबसे पहले ऑब्जेक्शन लिया गया कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। उस ऑब्जेक्शन को डील करते हुए हमने कोर्ट को कन्विंस किया कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल है क्योंकि जो राइट था इतने सालों से 1927 से मुस्लिम लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे उस मस्जिद में, उसको अचानक कलेक्टर ने जिस तरीके से 11/7/2023 को ऑर्डर पास करके सभी लोगों को रोक दिया वहां पर, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए 2 लोगों को सिर्फ परमिशन रखा, वो बेसिकली वो ऑर्डर इलीगल था, ये हमारा कंटेंशन था। इसलिए रिट पिटीशन मेंटेनेबल है ये हमने कोर्ट को बताया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये मैटर को बहुत तफसीली सुना, दोपहर में 3:30 तक इसकी हियरिंग चलते रही और वो जो ऑब्जेक्शन था रिस्पोंडेंट्स की जानिब से कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि इनको अल्टरनेट रेमेडी है, ये अपील कर सकते हैं या रिविजन कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो कोर्ट ने उनके उस ऑब्जेक्शन को रद्द किया। प्राइम ऑफिसी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल है और उसके बाद में कोर्ट ने
जो इम्प्यून ऑर्डर जिसको हमने चैलेंज किए उसको अच्छे से रीड करने के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने थे वो सब देखने के बाद प्राइम ऑफिसी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कलेक्टर का जो ऑर्डर है उसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, और ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जब अगर कोर्ट कलेक्टर का कोई ओपिनियन नहीं इस ताल्लुक से तो 144 और 145 सीआरपीसी इन्वोक करने का एक्चुअली उसको जुरिसडिक्शन नहीं है, ऐसा कोर्ट का ओपिनियन हुआ। और इस तरीके से कोर्ट ने वो जो जिस ऑर्डर के खिलाफ में यहाँ रिट पिटीशन फाइल हुई थी वो पूरे ऑर्डर को स्टे कर दिया, और उसी के साथ साथ जो तहसीलदार और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल एरंडोल है और कलेक्टर, इन सबको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन्होंने फोर्थ फिथ जो है तो चाबी मस्जिद की ट्रस्टीज के हवाले करना चाहिए। इस तरीके से जो पहले की पोजीशन थी, पहले सभी लोग वहाँ नमाज पढ़ने जा सकते थे, अब वही पोजीशन फिर से रीइंस्टेट हो गई है। और अगली तारीख अभी कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद रखा है, जो रिस्पोंडेंट्स है उनको पूरी कोर्ट ने संधि दिया है, उनको अपॉर्चुनिटी दिया है कि वो अपना जो भी रिप्लाई फाइल करना है रिप्लाई फाइल करके फिर नेक्स्ट डेट को फाइनल हियरिंग के लिए मैटर आ सकता है। कलेक्टर के पास जो हियरिंग चल रही है अब, जबकि हाईकोर्ट में मैटर आज था और हाईकोर्ट ने ये प्राइमा फेसी हेल्ड किया कि कलेक्टर का जो ऑर्डर था 11/7/2023 का वो प्राइमा फेसी कोर्ट को लगा कि इलीगल ऑर्डर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर ने भी जो है तो हाईकोर्ट के ऑर्डर जो फाइनल ऑर्डर का वेट करना चाहिए, क्योंकि यही जो ऑर्डर था हमारा यही बोलना था कि बगैर कोई अपॉर्चुनिटी दिए कि ऑर्डर पास किया हुआ है। तो इस तरीके से अभी जब हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो जो लोअर अथॉरिटीज रहती है या जो सबॉर्डिनेट जजेस रहते हैं तो उनका काम है कि हाईकोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने तक वेट करना चाहिए। आता हे सीटीएस 1100 जे एरंडोल मध्ये सिचुएटेड आहे त्यांच्यावर तिसरी चौथी सुनावणी आज घेण्यात आली, त्यामध्ये दोन्ही पक्षाचे जे काही ट्रस्टचे होते आणि अपोजिंग जे काही लोक होते त्यां सर्वांचे आम्ही मुद्दे घेतलेले आहेत। त्याप्रमाणे आता 27 तारखेला एक शेवटची एक हिअरिंग ठेवली आहे, यामध्ये कोणतेही जे डॉक्युमेंट्स होते ते सगळे आमच्या पर्यंत आले आहे, फक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंटचे आम्ही एक 27 तारखेला आणि सी टी एसचा एक सेफ 27 तारखेला घेऊन आम्ही शेवटी निर्णय देणार आहोत।